बहराइच जिले के तहसील मिहींपुरवा के थाना सुजौली अंतर्गत चहलवा गांव के 100 से अधिक खेती का कार्य करने गए लोग शुक्रवार शाम अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच में टापू पर फंस गए, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। तहसील से लेकर जिले तक प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। सूचना मिलने पर SDM मिहींपुरवा संजय कुमार एवं 3 थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर हालात की जानकारी लेने के साथ स्थलीय निरीक्षण कर पानी के बीच फंसे लोगों को बचाने की तैयारी में जुट गए। घाघरा नदी में टापू पर फंसे लोगों की सुरक्षा को लेकर पूरी रात प्रशासनिक अमला मौके पर डटा रहा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय नाव चालकों और बाढ़ चौकिया पर स्थित लोगों के द्वारा देर रात 63 लोगों को सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। लेकिन घाघरा नदी के टापू पर फंसे लोगों की सुरक्षा को लेकर रात भर अफरा तफरी का माहौल रहा। फिर सुबह होते ही टापू पर फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। NDRF के साथ साथ SSB ने भी कमान संभाल रखी है। सुबह तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में घाघरा नदी के टापू पर फंसे चहलवा गांव के 100 से अधिक ग्रामीण सुबह तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में घाघरा नदी के टापू पर फंसे चहलवा गांव के 100 से अधिक ग्रामीण सुरक्षित निकाले गए। DM मोनिका रानी और SP वृंदा शुक्ला ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए रेस्क्यू में लगे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा था, आप लोग टापू पर फंसे हुए थे, क्या स्थिति थी वहाँ की रात भर? रात भर तो स्थिति वही थी कि साहब पानी जितना बढ़ा था उतना तो मान लीजिए कंट्रोल में था। हाँ। और उसके बाद मान लो हम ऊपर कहीं जा करके पाए, उसी के जा करके हम लोग बैठ गए। हाँ। बैठे बैठे फिर जो है अपना रात उतगाटे। हाँ। तक सुबेर हो गया तब पानी फिर कम हो गया था। तो किस तरीके से आए आप लोग वहाँ? नाव से आए हैं जी। अच्छा, क्या प्रशासन के द्वारा भेजी गई थी? जी, उसी से आए जी। तो वहाँ पे रात में पानी भर गया था आप लोगों के पैर के आसपास पहुँच गया था? नहीं जी, कुछ दूरी पे था। अच्छा, बढ़ रहा था जी धीरे धीरे। कितने लोग थे लगभग आप लोगों के साथ? अरे आदमी हम लोग बहुत थे, 50-100 लोग थे। ज्यादा थे जी, ज्यादा थे। और क्या, देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।